नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के विषय में। कुंभ राशि में बृहस्पति का गोचर दो राशियों के लिए अच्छे परिणाम लेकर नहीं आया है, कर्क और मीन। साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में बताऊंगा, जिससे आप बृहस्पति के द्वारा दिए गए दुष्परिणामों से अपना बचाव कर सके। कर्क राशि से बृहस्पति अष्टम में रहेंगे, मीन से 12वें स्थान में रहेंगे। तो अष्टम और द्वादश बृहस्पति का यह गोचर दो राशियों के लिए बहुत बढ़िया तो नहीं रहने वाला है, लेकिन सावधानी और उपाय करने से आप काफ़ी हद तक दुष्परिणामों से बच सकते हैं। इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि वाले जातकों, आपकी राशि से अष्टम भाव में बृहस्पति गोचर करेंगे। अष्टम भाव त्रिक स्थानों में सबसे ज़्यादा अशुभ माना जाता है। यहाँ पर बृहस्पति का गोचर आकस्मिक दुर्घटना, बिना मतलब का टेंशन तनाव, पैसे का कहीं पर फंस जाना और कामों में लगातार देरी का होना, इस तरह के परिणामों को लेकर आता है। व्यक्तिगत सुख चैन व्यक्ति का भंग हो जाता है। आप उपाय के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें, पूर्णिमा का व्रत करें। पूर्णिमा के दिन पक्षियों को ज़्यादा से ज़्यादा मीठा भोजन कराएं, साथ ही साथ में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए बेहतर रहेगा। साथियों, अष्टम बृहस्पति का उपाय आप जरूर करें, नहीं तो बृहस्पति जब विपरीत अवस्था में होते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को भारी तनाव का सामना करना पड़ता है। दूसरी राशि है मीन। मीन राशि से 12वें बृहस्पति रहेंगे व्यय स्थान में। व्यय स्थान में बृहस्पति अपव्यय की स्थिति बनाते हैं, बिना मतलब के खर्चे जिनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है वह हो सकते हैं। साथ ही साथ लंबी यात्राओं से आपको धन हानि के योग, लंबी यात्राओं से टेंशन तनाव और कष्ट की स्थिति बन सकती है। दाई आंख में दिक्कत के साथ साथ पत्नी से भारी मतभेद की स्थिति 12वें बृहस्पति बनाते हैं। साथियों, उपाय के लिए आपको भी पूर्णिमा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करें और नियमित रूप से रोजाना 5 मिनट ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करें। बृहस्पतिवार के दिन शेविंग बिल्कुल ना करें, दाढ़ी ना बनाएं। बृहस्पतिवार के दिन दोपहर तक कपड़े ना धोएं और बृहस्पतिवार के दिन बम बृहस्पते नमः इस मंत्र का एक माला जाप करना भी आपके हित में रहेगा। तो साथियों, ये दो जो राशि हैं कर्क और मीन, इनके बारे में ही आज की मेरी वीडियो थी, आज का सब्जेक्ट था। और दोनों राशियां काफ़ी सावधानी बरतें और उपाय करें। साथियों, ज्योतिष जो है वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, पहले से ही चीज़ों को जानकर सावधान हो जाना ही ज्योतिष का एकमात्र उद्देश्य होता है। मैं कामना करता हूं यह जानकारी आपके लिए यूजफुल सिद्ध होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ भविष्य में भी।